Hey beautiful people, hope that everyone is doing good out there. पिछले दो दिनों से एक बात बहुत चर्चा में है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में रोहित शर्मा, जिनका फुटवर्क इनिंग्स की शुरुआत में काफ़ी स्लो है या ख़राब रहता है, वो कैसे मैनेज करेंगे ट्रेंट बोल्ट के अंदर आती हुई बॉल्स का, इसका हम आपको जवाब दें। उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों आईपीएल की एक ही फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, जिसके बॉलिंग कोच हैं न्यूजीलैंड के शेन बॉन्ड, और इन्होंने ही ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। इन्होंने आईपीएल नेट प्रैक्टिस में कई बारी ट्रेंट बोल्ट को रोहित शर्मा को इन स्विंग बॉल के दौरान बोल्ड या LBW होते हुए देखा है, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ शोइंग हिज कंसर्न टुवर्ड्स रोहित शर्मा बैटिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि रोहित शर्मा ने अपने बैटिंग के अंदर पॉसिबली क्या चेंजेस किए होंगे। फर्स्ट, रोहित शर्मा अच्छी तरह जानते हैं कि ड्यूक बॉल साउथहैम्पटन में शुरू में काफ़ी स्विंग करेगी, बी इट आउट स्विंग और इन स्विंग। इसके लिए इनको अपने लेफ्ट शोल्डर को थोड़ा स्ट्रेट टूवर्ड्स बॉलर्स आर्म करना पड़ेगा, जिससे ये आउट स्विंग बॉल्स को लीव करें और अंदर आती हुई लंबी बॉल्स को कवर करके सीधे बैट्स के साथ सीधा खेलें, जो कि स्ट्रेट वी रीजन के अंदर ही जाए। सेकेंड, रोहित शर्मा जिस तरह के बैट्समैन है, वो सभी को पता है कि वो थोड़ा टाइम लेते हैं सेट होने में, एंड जब वो सेट हो जाते हैं तो अच्छी तरह तोड़ते हैं, तो ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने फ्रंट फुट को ज़्यादा क्रॉस ना जाने दें, बल्कि बॉल को अपने फोर्थ स्टंप तक ही खेलें कि उन स्विंग बॉल को वो कवर कर सकें, क्योंकि कई बारी देखा गया है कि रोहित शर्मा कई बारी ज़्यादा ही क्रॉस चले जाते हैं, और जब बॉल इन स्विंग होती है तब उनको बॉल का कवर करना नहीं आता। तो सही यही है कि वो सिर्फ विकेट के बाहर सिर्फ 11 या 12 इंच तक ही खेलें। थर्ड, पेशेंस इज द ओनली की हेयर। रोहित शर्मा जो कि एक टॉप क्लास बैट्समैन है, हम सभी जानते हैं कि उनका इस मैच में चलना कितना इंपॉर्टेंट है, तो रोहित शर्मा को कम से कम 10 या 12 ओवर तक बाहर की बॉल को छोड़ना चाहिए, बिकॉज न्यूजीलैंडर्स इनको ज़रूर बॉल आगे ड्राइविंग लेंथ पर डालेंगे, जिससे वो कवर्स या स्लिप कॉर्डन में कैच दे बैठे। तो रोहित ब्रदर, प्लीज़ डू कीप पेशेंस फॉर एटलीस्ट 10-12 ओवर्स, एंड देन आई एम श्योर यू विल बी सेटल फॉर अ बिग स्कोर। अगर रोहित शर्मा और उनके ओपनिंग पार्टनर ये कर लेते हैं, तो आई एम श्योर ट्रेंट बोल्ट का ओपनिंग स्पेल ऑफ से अबाउट 6-8 ओवर्स विकेट लेस ही निकल जाएगा, एंड वी विल बी ऑफ टू अ फ्लायर। अगर आपकी कोई राय है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। जल्दी मिलते हैं विद सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टिल देन, कीप इट रोलिंग।